सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तुलसी की बड़ी महिमा है, आओ मैं आपको तुलसी जी का आज पूरा इतिहास सुनाता हूं। तुलसी की महिमा क्या है? भगवान श्री कृष्ण के गौलोक धाम में एक वृंदा नाम की भगवान की सखी रहती थी। कथा कहां से शुरू है पूरी सुनिएगा, फिर ये जालंधर और वृंदा और भगवान ने जो पातिव्रत भंग किया तुलसी का, सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी आपको। एक बार गौलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण अपनी ये वृंदा ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी वृंदा के संग बैठे थे, तभी श्री राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। किसी ने कहा, द्वारपालों ने, कि प्रभु आपको राधा रानी याद कर रही हैं। पर भगवान श्री कृष्ण वृंदा की बातों में इतने व्यस्त हो गए, वृंदा के साथ इतने मस्त हो गए भगवान श्री कृष्ण के, भूल गए कि राधा ने याद किया। तभी राधा रानी भगवान के समक्ष उपस्थित हुई और उन्होंने भगवान के बगल में वृंदा को बैठे देखा तो राधा रानी ने क्रोधित होकर के वृंदा को श्राप दे दिया। जाओ वृंदा, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर होगा, तुम भगवान से कुछ वर्षों के लिए दूर हो जाओगी, हमने बुलाया तुमने अपनी बातों में उलझा लिया। तो वहां पर सुदामा खड़े थे, सुदामा मतलब भगवान के एक सखा का नाम था सुदामा, भगवान के एक मित्र का नाम भी है सुदामा, जिसे आप श्री दामा भी कहते हैं, श्री दामा। तो भगवान के एक मित्र थे, सखा थे, ये घटना गौलोक धाम की है। सुदामा नाम के एक सखा थे, उन्होंने जब राधा रानी बहुत गुस्से में आई तो वृंदा को तो श्राप दे दिया और भगवान श्री कृष्ण को भी राधा रानी कुछ कहने लगी, डांटने लगी, गुस्से में आ गई माँ भगवती और डांटने लगी। तो श्री दामा को लगा, उन्होंने राधा रानी से कहा, माँ भगवान है, इन्हें मत डांटिए, इनकी क्या गलती है। बात निकल गई, स्लिप हो गई दिमाग से, तुम बीच में बोलते हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। जब राधा रानी ने सुदामा को श्राप दिया, श्री दामा को श्राप दिया, तो वही कहा कि शंखचूड बन जाओ तुम, श्राप दे दिया। अब राधा रानी का जब गुस्सा शांत हुआ, तब जाकर के उनको याद आया कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। तो जो श्री दामा था वो रोने लगा। राधा रानी ने कहा, अच्छा ठीक है, मेरा श्राप, तुम राक्षस तो बनोगे पर आधे क्षण के लिए। कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए? आधा क्षण। तो गौलोक धाम का आधा क्षण कितना बड़ा होता है? मृत्यु लोक का एक कल्प और वहां का एक क्षण। एक क्षण कितना बड़ा होता है? क्षण भर में, मतलब ये मान के चलो कि आपके पलक 5-10 बार झपके, उसको एक क्षण कहते हैं। लगभग उतना समय को आपकी आंखों के पलक कितनी बार झपके? 5 या 10 बार झपके, हमने एक बार, फिर 2 बार 3 बार ऐसे पलक झपकाई, इतने समय को क्षण कहते हैं। लगभग 5-10 बार पलक झपकने के समय को क्या बोलते हैं? क्षण। तो राधा रानी ने कहा, तुम एक आधे क्षण के लिए राक्षस बनोगे, मेरे से अपराध हो गया। लेकिन राधा रानी का जो आधा क्षण गौलोक धाम का, वो आधा क्षण मृत्यु लोक में कितना बड़ा होता है? यहां पर एक कल्प, एक कल्प का मतलब है 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। जब 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाएंगे, तब वहां गौलोक धाम का एक क्षण होगा। तो अब
श्राप मिल गया। वृंदा रोने लगी, वृंदा मतलब भगवान की पत्नी। तो श्राप लग गया वृंदा को और सुदामा को, श्रीदामा को श्राप लगा, तो दोनों पृथ्वी पर आए। एक राजा के यहां वृंदा का जन्म हुआ, जिनका नाम वृंदा ही रखा गया संयोगवश। लेकिन वृंदा तप करने के लिए हिमालय चली गई और हिमालय में उन्होंने खूब वर्षों तक भगवान को प्राप्त करने के लिए तप किया। वहीं पर उनकी मुलाकात किससे हो गई? जालंधर से, जो कि राधा रानी के द्वारा दिया गया श्राप जो मिला, उसे शंखचूड कहो या जालंधर कहो, है ना। तो वो जालंधर एक दिन हिमालय पहुंचा तो उन्हें तुलसी दिखाई पड़ गई, वृंदा दिखाई पड़ गई। तो वृंदा से उन्होंने कहा, आप कौन हैं? तो दोनों एक दूसरे को जानते थे और दोनों ये जानते थे कि हम पिछले जन्म में गौलोक में थे। दोनों की स्मृति याद थी, दोनों को पता था। अब दोनों कहाँ रहे? तो दोनों ने शादी कर ली और जालंधर शादी करके वृंदा को ले आया। और जालंधर वृंदा के तप से, त्याग से, पातिव्रत धर्म से बहुत समय तक राज्य किया। चूंकि राक्षस था, श्राप से राक्षस हो गया, तो राक्षस बुद्धि हो गई, देवताओं को कभी सताने लग जाए कभी। तो देवताओं ने एक बार भगवान से प्रार्थना की, प्रभु उसे मारो। भगवान बोले, वो तो मेरे ही भक्त है, उसे क्या मारूंगा मैं। लेकिन अब उसका समय पूरा हो गया है। तो क्या हुआ कि एक दिन भगवान शंकर जी भगवान नारायण के पास गए, बोले ये बहुत सता रहा है जालंधर, क्या किया जाए। भगवान ने एक अस्त्र दिया, बोले इस अस्त्र से वो मरेगा, परंतु उसके गले में नारायण कवच है, उसके गले में जो एक कवच है वो उसकी रक्षा कर रहा है। तो भगवान ने किसी बहाने से वो कवच उससे भिक्षा में मांग लिया और वो शंकर जी के साथ युद्ध करने गया। तो यहाँ पर भगवान श्रीमन नारायण आए और जालंधर का रूप बनाकर तुलसी के पास आ गए। क्यों आए? तुलसी ने तपस्या की थी इसलिए कि भगवान हमारे पति बने। तुलसी ने तपस्या की थी इसलिए वृंदा ने जंगल में, हिमालय में, के पति के रूप में हमें कौन मिले? भगवान मिले। तो आज उनका तप पूरा हुआ और आज भगवान श्रीमन नारायण आज वृंदा को पति के रूप में मिले। और पति बन करके जब वृंदा के पास गए और वृंदा के पातिव्रत धर्म को भगवान ने नष्ट किया, तो वहाँ जालंधर शंकर जी से मर गया। और जब मरा तो वृंदा समझ गई कि आप तो मेरे पति नहीं हैं, कौन है? तो भगवान प्रकट हो गए, देवी आपने मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त करने की जो तपस्या की थी इसलिए मैं आपका पति बना। वृंदा चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु वो तो ठीक है लेकिन आपने मेरे साथ छल किया है, मेरे को आपने भगवान होकर आपके हृदय में इतना पत्थर दिल हो गए आप, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ आप पत्थर हो जाएं। तो भगवान ने कहा, ठीक है आपका श्राप मुझे स्वीकार है। भगवान बोले, अब तुम सदा के लिए मेरे संग चलो। तो वृंदा ने तुरंत अपने प्राण त्याग दिए। तो वृंदा का मरा हुआ शरीर पानी बन के बहने लगा, वही शरीर है गंडकी नदी। तो वृंदा का शरीर जो पानी बनकर बहा उसी को आज हम कहते हैं गंडकी नदी। और जो भगवान को पत्थर बनने का श्राप मिला तो वो है शालिग्राम भगवान, जो कि गंडकी नदी में ही रहते हैं, मैं तेरे पास रहूंगा। तो गंडकी में शालिग्राम भगवान रहते हैं। तुलसी के केशों से, तुलसी के बालों से, केशों से ये तुलसी का पौधा तैयार हो गया। और भगवान ने कहा, तुलसी अब ये तुम्हारे बिना ना मैं भोग लगाऊंगा ना मैं शयन करूंगा, अब तुम सदा मेरे संग रहो। तो एक रूप से तुलसी वृंदा सदा गौलोक धाम में भगवान के हृदय में निवास करती हैं। कहाँ निवास करती हैं? हृदय में। एक रूप से वो इस मृत्यु लोक में हम सभी के मध्य तुलसी के रूप से प्राप्त हैं और एक रूप से वो गंडकी माता के नाम से जानी पहचानी जाती हैं। ये माता तुलसी की पावन चर्चा है। एक दिन संडे के संडे, रविवार के दिन
भगवान श्रीमन्नारायण अपना बैकुंठ छोड़कर, अपना गौलोक छोड़ करके भगवान का वास एक दिन मृत्यु लोक में होता है तुलसी पर। तुलसी तो सदा भगवान के हृदय में रहती हैं, लेकिन जो मृत्यु लोक की तुलसी है, जैसे हम वृंदा कहें, तुलसी कहें, संडे को तुलसी क्यों नहीं तोड़ी जाती? संडे को तुलसी नहीं तोड़ी जाती, कारण क्या है? इसलिए नहीं तोड़ी जाती कि संडे के दिन भगवान अपना बैकुंठ गौलोक छोड़कर तुलसी पर निवास करते हैं। तो तुलसी ना तोड़ी जाए इसलिए कि उस दिन भगवान और तुलसी संग रहते हैं, तो हम हिला डुलाकर पेड़ को डिस्टर्ब ना करें, इसलिए संडे को तुलसी नहीं तोड़ी जाती। अब आप कहें, पर संडे को भगवान को कैसे भोग लगे तुलसी के बिना? ना, तुलसी आप सैटरडे को तोड़ लीजिए, शनिवार को तोड़ लीजिए, एक दिन की तोड़ी तुलसी 3 दिन तक अशुद्ध नहीं होती। आप आज की तोड़ी तुलसी 3 दिन तक यूज कर सकते हैं, आज की तोड़ी तुलसी आप 3 दिन तक यूज कर सकते हैं। यदि तुलसी नहीं है तो तुलसी की माला, ये तुलसी की काष्ठा से बनी माला है। जब आपके पास तुलसी पत्ता ना हो तो तुलसी आप भोग लगाएं तो तुलसी ये वाला स्पर्श करा दें तो भी तुलसी चढ़ी मानी जाएगी। तुलसी जो लोग गले में पहनते हैं, तुलसी जो लोग गले में धारण करते हैं, भगवान कहते हैं कि उन भक्तों का कभी यमराज दर्शन भी नहीं करते, वो सीधा मेरे धाम को आते हैं। तुलसी की महिमा। मरने के पहले जो आदमी तुलसी का एक पत्ता मुख में रखता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ रोज ठाकुर जी को तुलसी चढ़ाया करो, और तुलसी चढ़ाकर एक पत्ता अपने मुंह में रखा करो। रोज तुलसी का एक पत्ता अंदर जाएगा। आज आपने तुलसी मुंह में रखी और अंदर कर ली और आज ही प्राण निकल गए तो आपके अंदर तुलसी रहेगी। इसलिए ये तुलसी कितनी महिमा है कि जो तुलसी का सेवन करते हैं, तुलसी मय जल से ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, जो भगवान को केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा देते हैं शालिग्राम भगवान को, उन्हें कई कई यज्ञ करने का पुण्य एक पत्ते से मिल जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तुलसी की बड़ी महिमा है, इसलिए तुलसी गले में पहना करो। कितना भी सोना चांदी पहने हो आप लोग, फैशन के लिए तुलसी वुलसी आपको अच्छी नहीं लगती, महाराज कौन लकड़ी पहने, लेकिन जब आखिरी समय काम यही आएगा, सोना सब उतर जाएगा। आप लोग जब मरोगे तो आपके जो नाक में आपने सोने की लौंग पहन रखी है ये भी उतर जाएगी। भगवान का नाम और तुलसी नहीं उतरती, इसलिए पहनो तुलसी गले में से तुलसी की माला। तुलसी जब आप नहाते हैं तो तुलसी से होता हुआ जल जो शरीर में जाता है वो सामान्य जल भी तुलसी के स्पर्श से गंगा जल की तरह हो जाता है। महिमा बहुत है, हम क्या क्या कहें, बड़ी महिमा है तुलसी की। तुलसी आज औषधि है, आज तुलसी का अर्क बड़े बड़े मेडिकल स्टोरों में मिलने लग गया है, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाने लग गई हैं, तुलसी का अर्क देने लग गई हैं। दुनिया को आज पता चला कि तुलसी इतनी सी पौधा है लेकिन इतना ताकत रखती है। आपको बता दूं, सारे वृक्षों में तुलसी श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, औषधि में तुलसी श्रेष्ठ औषधि है।